हेलो फोर्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका मोरल ईवीएस का टर्न है, तो निकालिए अपनी ईवीएस की बुक आर एनवायरमेंट। सो चैप्टर नंबर 17 इज एनिमल पावर्ड ट्रांसपोर्ट, यानी जानवरों की मदद से चलने वाले ट्रांसपोर्ट, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले संसाधन। पहले जो आदमी हुआ करते थे वो पैरों पर चला करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे वो खाने और रहने की तलाश में। उसके बाद धीरे धीरे व्हील का इन्वेंशन हुआ, धीरे धीरे लाइफ इजी होती रही और हमारी ऐसी ऐसी चीजें इन्वेंट हुई, ऐसी ऐसी चीजें हमारे यूज में आई विच आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। सो सबसे पहले बात करी जाए हॉर्सेस की, तो हॉर्सेस सबसे पहले एनिमल माने जाते हैं जिसे डोमेस्टिकेट किया था ह्यूमन ने, आदमी ने। वो बोझा ढोने के काम करते थे, मतलब बहुत सारी हेल्प करते थे। हॉर्सेस की आप जानते हैं स्पीड भी उनकी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। महाराणा प्रताप का हॉर्स था जिसका नाम था, आपको यहाँ बताना है, उसका नाम था चेतक। चेतक की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि उसके ऊपर काफी कविताएं भी बनी हुई हैं। जो हॉर्सेस होते हैं जिसे हम तांगा कहते हैं, कभी कभी उसे बुगी कहते हैं इन इंग्लिश व्हेन वी स्पीक। तो बुगी जो है हॉर्स कैरेज है जिसे दो या दो से ज्यादा घोड़े चलाते हैं और उस पर हम सामान रख सकते हैं, जा सकते हैं। जो आर्मी और पुलिस होते हैं वो भी कभी कभी हॉर्सेस की मदद लेते हैं ऐसी जगह जाने में जहां हम व्हीकल को ले जा नहीं सकते। सो नेक्स्ट एनिमल इज कैमल। कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है बिकॉज डेजर्ट में और किसी जानवर का जाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन जो कैमल है दैट गोज वेरी वेल इन डेजर्ट्स और वहां पर वो सामान ले जाता है इंसान का। कोई थक जाता है तो इंसान को भी कैरी करने में मदद करता है। उसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती बिकॉज इट कैन स्टोर वाटर इन इट्स हम्प। ये तो अभी हमने पढ़ा हुआ भी है पहले काफी। उसके जो फीट होते हैं बच्चों वो पैडेड होते हैं, उनमें ना मतलब गद्देदार चीज होती है उनके फीट में जिससे कि वो गर्म रेत पर भी आराम से चल सकते हैं। जो लंबी लंबी कतारें होती हैं कैमल्स की उन्हें हम कारवांस कहते हैं और जनरली जो मर्चेंट्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी, ये सब कारवांस में ही जाते हैं ट्रेड करने के लिए। नेक्स्ट एनिमल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन इज एलिफेंट। एलिफेंट जो है बहुत पावरफुल एनिमल होता है और उन्हें लैंड जाइंट्स कहते हैं। जाइंट मतलब विशालकाय आदमी, मतलब विशालकाय जीव। तो लैंड पर रहने वाले विशालकाय जीव होते हैं एलिफेंट्स। उनके ऊपर बच्चों आपने देखा होगा वुडन एक सीट लगा दी जाती है चारों तरफ से कवर्ड और उसमें लोग बैठते हैं। पहले के राजा महाराजा भी बैठा करते थे, उसे बोलते हैं हावड़ा। तो हावड़ा लगा दी जाती है उनकी कमर पर जिससे कि उन पर जो जा रहा है वो आराम से ट्रेवलिंग कर सके। बच्चे भी काफी इंजॉय करते हैं द राइड्स ऑफ एलिफेंट्स। म्यूल्स, एसेस एंड डंकीज। म्यूल्स, एसेस एंड डंकीज आर स्लो मूविंग एनिमल। म्यूल, एसेस और डंकी जो होते हैं गधों की प्रजातियां हैं ये, जो ये बहुत धीरे धीरे चलते हैं और ये भी बोझा ढोने के ही जनरली काम आते हैं। और इन्हें इसीलिए क्योंकि बोझ ढोने के काम आते हैं माउंटेन्स पर, प्लेन एरियाज पर, इसीलिए इन्हें बीस्ट ऑफ बर्डन कहा जाता है। मतलब बीस्ट ऑफ बर्डन मतलब बोझा ढोने के संसाधन। अब एनिमल्स जो हैं उनको हमको अगर वो हमारी मदद करें दैट इज ओके, बट वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम ऑल्सो। हमें उनकी देखभाल भी करनी जरूरत है, हमें उनको ओवरबर्डन नहीं करना चाहिए, उन पर ज्यादा बोझा नहीं डालना चाहिए, उनको अच्छा खाना, अच्छा रहने की जगह देनी चाहिए, हमें उनको रेस्ट करने का भी टाइम देना चाहिए, उनके साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए, उनको मारना पीटना ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। हमें जब वो बीमार होते हैं जो जानवर होते हैं उनको वेटरिनरी डॉक्टर होता है, वेटरिनरी डॉक्टर वो होते हैं जो जानवरों का ख्याल रखते हैं, जानवरों को ठीक करते हैं, उनके पास जानवरों को लेकर जाना चाहिए और उन्हें हमें परेशान भी नहीं करना चाहिए एनिमल्स को। तो हेयर आर चैप्टर एंड्स। यू नीड टू डू द एक्सरसाइजेस फ्रॉम द वीडियो इटसेल्फ। एक्सरसाइज आप वीडियो से ही करेंगे एंड क्वेश्चन आंसर्स विल बी सेंड टू यू। क्वेश्चन आंसर्स आपको भेज दिए जाएंगे। This is your homework exercise. You need to do it yourself. And this is also homework exercise. So, complete your work in a better way. Thank you. Let's meet in the next video. Bye.